Good morning, students. My name is Kavita Chaudhary from Sunita Global School and I will teach you EVS in class 3. तो बच्चों एक बार फिर से आपका मेरी क्लास में हार्दिक स्वागत है. आज की क्लास में हम आपकी EVS के टेक्स्ट बुक से चैप्टर नंबर 15 आवर हाउसेस इस चैप्टर की रीडिंग करेंगे. पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 14 पढ़ा था जिसका नेम था फूड फॉर एनिमल्स. मैं आशा करूंगी कि आपने वो चैप्टर अच्छे से पढ़ा होगा और साथ ही साथ उस चैप्टर का जो वर्क मैंने आपको सेंड किया था वो भी आपने टाइम टू टाइम अपनी EVS के नोटबुक में कर लिया होगा. आज की क्लास में हम न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नेम है चैप्टर नंबर 15 आवर हाउसेस. आवर हाउसेस, आवर हाउसेस का मतलब क्या होता है? हमारे घर. ठीक है, तो इस चैप्टर के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि इस चैप्टर में हम घरों के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, किस किस तरह के घर होते हैं उन सबके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे. तो चलिए बच्चों इस चैप्टर की रीडिंग को करना शुरू करते हैं. सबसे पहले फिर से हेडिंग ही क्या दे रखी है, अवर हाउसेस यानी हमारे घर. निशा लिव्स इन अ हाउस बोट ऑन डल लेक इन श्रीनगर. तो जो निशा है वो श्रीनगर में जो डल झील है, डल लेक यानी डल झील, उसमें हाउस बोट में रहती है. ठीक है, हाउस बोट क्या होती है? बोट है, उसके अंदर ही घर बना होता है, उसे बोला जाता है हाउस बोट. तो श्रीनगर कहाँ है? कश्मीर में. तो वहां पर क्या पाई जाती है? डल झील. तो उसी के अंदर जो है वो हाउस बोट में रहती है. शी गोज विथ हर ब्रदर टू स्कूल इन अ शिकारा. और जो निशा है वो अपने भाई के साथ शिकारा में बैठ करके स्कूल जाती है. अब शिकारा क्या होता है? एक तरह की नाव ही होती है. ठीक है, हर पेरेंट्स लुक आफ्टर द टूरिस्ट हु स्टे ऑन देयर हाउस बोट. और जो निशा के पेरेंट्स हैं, निशा के माता पिता है, वो जो टूरिस्ट आते हैं बाहर से घूमने के लिए कश्मीर या श्रीनगर को घूमने के लिए, तो उसके हाउस बोट के अंदर ही टूरिस्ट रहते हैं और उन टूरिस्ट की जो है उसके माता पिता देखभाल करते हैं. ठीक है, वेजिटेबल्स फ्रूट्स फ्लावर्स क्लोथ्स एंड द अदर हाउस होल्ड गुड्स आर सोल्ड इन शिकारा ऑन द लेक. अब जो घर का सामान होता है जैसे सब्जियां फल फूल कपड़े और बाकी घर का जो सामान होता है वो शिकारा पर ही बेचा जाता है. ठीक है, शिकारा एक तरह की नाव होती है, उसी नाव में लोग क्या करते हैं, झील के ऊपर वो नाव चलती रहती है और उसी के अंदर ही सामान बेचते हैं. पीपल लिविंग ऑन द हाउस बोट्स नीड गो टू द मार्केट नॉट गो टू द मार्केट. यानी ऐसे लोग जो कि हाउस बोट के अंदर रहते हैं उन्हें मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती. क्यों नहीं पड़ती? क्योंकि उनका मार्केट भी कहीं पे कहाँ पे लगा है, उसी डल झील पर लगा हुआ है जहां पर लोग क्या करते हैं, शिकारा में ही बैठ करके सारा सामान बेचते हैं. जैसे हम क्या करते हैं, हमारा जो घर है वो ग्राउंड पे है, ग्राउंड यानी जमीन पे, और हमें सामान लेने के लिए हम मार्केट जाते हैं. पर वहां के लोग यानी जो डल झील के अंदर, डल झील पर जो है हाउस बोट में रहते हैं, वो मार्केट नहीं जाते. अगर उन्हें जाना भी होता है स्कूल तो कैसे जाते हैं? शिकारा से जाते हैं, एक तरह की नाव से जाते हैं, और सामान भी लेने के लिए मार्केट नहीं जाते. वहीं पे लेक पे लोग क्या करते हैं, शिकारा में ही अपनी उसी नाव में अपनी क्या लगा लेते हैं, दुकान लगा लेते हैं और सारा सामान घर का सामान बेचते हैं. अब है सर्वे शीट. वेयर डू योर पेरेंट्स बाय वेजिटेबल्स एंड फ्रूट फ्रॉम. आपके जो पेरेंट्स हैं माता पिता वो सब्जियां और फल कहाँ से खरीदते हैं. सेकेंड है डू दे बाय क्लोथ्स किचन टूल्स पॉट्स एंड पैन्स ऑल्सो फ्रॉम द सेम मार्केट. क्या वो कपड़े जो रसोई का सामान होता है, दूसरा जो सामान होता है जैसे कि बर्तन और पैंस, वो सब उसी मार्केट से खरीदते हैं. वी हैव नेम टू मार्केट्स दैट सेल ओनली स्पेशलाइज्ड आइटम इन योर एरिया लाइक इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक गुड्स क्लोथ्स एक्सेट्रा. अब आपको अपने एरिया का एक जो स्पेशल मार्केट है यानी इस तरह का मार्केट जहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक का सामान ही मिलता है या फिर सिर्फ कपड़े ही मिलते हैं, तो उस मार्केट का नाम लिखना है. फोर्थ है वाई इज अ मार्केट एन इम्पॉर्टेंट सर्विस फॉर अ रेजिडेंटल एरिया. यानी रेजिडेंटल एरिया क्या होता है, रहवासी एरिया जहाँ पर लोग रहते हैं, तो उसके अंदर जो मार्केट होता है, ठीक है, वहाँ रेजिडेंटल एरिया में रहने वाले लोगों के लिए जो मार्केट होता है वो क्या एक इम्पॉर्टेंट सर्विस होता है. ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन सर्वे शीट में है, क्वेश्चन हमें करने नहीं है, सिर्फ सर्वे के लिए यानी आपको खोजबीन करके पता लगाना है. अब है टाइप ऑफ हाउसेस यानी घरों के प्रकार. A house shelters us from a heat, cold, rain, snow, storm and a thief. यानी जो घर होता है वो हमें
गर्मी से, सर्दी से, बरसात से, बर्फ से, तूफान से और यहाँ तक कि जो चोर होते हैं उनसे भी बचाता है. द टाइप ऑफ हाउस दैट वी लीव इन डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर, रेनफॉल और द स्नोफॉल ऑफ द प्लेस. यानी जिस तरह के घर में हम रहते हैं वो इस बात पे निर्भर करता है कि उस जगह का तापमान कितना है, वहाँ बरसात कितनी होती है या फिर वहाँ पर बर्फ गिरती है. इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द लोकेशन, सिटीज, विलेजेस, माउंटेन्स, प्लेन्स, रिवर बैंक्स, फॉरेस्ट, डेजर्ट एंड द मनी दैट वी वॉन्ट टू स्पेंड ऑन इट. और ये उस बात पे भी निर्भर करता है कि जहाँ जिस जगह जिस एरिया में हम रह रहे हैं वो लोकेशन क्या है, गांव में रह रहे हैं या फिर शहर में रह रहे हैं, हम पर्वतों यानी माउंटेन्स पे रह रहे हैं या फिर प्लेन्स, प्लेन्स यानी जो बराबर भूमि होती है, सपाट भूमि जैसे हम रहते हैं. ठीक है, हम कहाँ पर रहते हैं, सरफेस पे यानी सतह पे रहते हैं. रिवर बैंक्स यानी वो नदियों के पास है या नदी के अंदर है घर. फॉरेस्ट यानी जंगलों में है या फिर डेजर्ट यानी रेगिस्तान में है. एंड मनी दैट वी वॉन्ट टू स्पेंड ऑन इट, और यहाँ तक कि हम अपने घर पर कितना पैसा खर्च करते हैं ये इस बात पर भी निर्भर करता है. अब है हाउसेज इन विलेजेस, यानी गांवों में घर किस तरह के होते हैं वो सब इस पैराग्राफ में हम पढ़ेंगे. मैनी पीपल लिव इन अ हट्स मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड बैम्बू इन अ वेरी स्मॉल विलेजेस. तो कई लोग होते हैं जो कि हट्स में रहते हैं यानी झोपड़ी में रहते हैं, जो कि किससे बनी होती है, स्ट्रॉ एंड बैम्बू यानी घास फूस और बैम्बू यानी बांस से. इन वेरी स्मॉल विलेजेस यानी छोटे छोटे गांव जो होते हैं वहां पर लोग किस में रहते हैं, झोपड़ी में, जो किससे बने होंगे, घास फूस और बांस से, बैम्बू यानी बांस. दीज हट्स आर नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, और ये जो झोपड़ियां होती है वो ज्यादा मजबूत नहीं होती. दे आर नॉट सेफ ड्यूरिंग रेन एंड स्ट्रॉम, और ना ही ये किसी बरसात और तूफान में ज्यादा सुरक्षित होती है. स्ट्रॉम यानी तूफान, रेन का मतलब तो आपको पता ही है रेन यानी बरसात, स्ट्रॉम का मतलब होता है तूफान. द रूफ स्टार्ट लीकिंग इन द रेन्स एंड द स्टोरिंग वाइंड्स कैन ब्लो देम अवे. तो बरसात के समय में जो ये हट्स होती है, झोपड़ी, इनकी जो छत होती है घास फूस से बनी होती है तो वो टपकना शुरू हो जाती है, और जब स्ट्रॉन्ग वाइंड्स आती है यानी खूब तेज हवाएं चलती है तो इनकी जो छत होती है वो अपने साथ वो हवा भी उड़ाकर ले जाती है. यानी जब तेज हवाएं चलती है तो इन घर की जो छत होती है वो भी उड़ जाती है. बट नाउ डेज मैनी विलेजेस हैव स्ट्रॉन्ग ब्रिक हाउसेस, पर इन दिनों में जो ऐसे कई गाँव हैं जहाँ पर मजबूती के साथ यानी मजबूत जो है ईंटों से बने घर बन चुके हैं. स्ट्रॉन्ग ब्रिक हाउसेस यानी कि ईंटों से बने हुए मजबूत घर. नेक्स्ट है हाउसेस इन सिटीज, यानी शहरों के अंदर घर कैसे होते हैं. हमने ये तो पढ़ा कि गांवों के अंदर कैसे घर होते हैं या पहले कैसे होते थे, झोपड़ी होती थी जो किससे, स्ट्रॉ और बैम्बू से बनी होती थी, और ये ज्यादा सेफ नहीं होती थी, ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती थी क्योंकि रेन और स्ट्रॉम यानी बरसात और तूफान के अंदर इनकी छतें टपकना शुरू हो जाती थी, और यहाँ तक कि जब तेज हवा चलती है तो इन हट्स के ऊपर जो छत है वो भी साथ में हवा अपने उड़ाकर ले जाती है. बट इन दिनों में क्या है, जो विलेजेस है यानी गांव है उनके अंदर मजबूत ईंटों के घर बने हुए हैं. अब हम पढ़ रहे हैं कि हाउसेज इन सिटीज यानी शहरों के अंदर घर कैसे होते हैं. पीपल लिव इन बंगलोज और फ्लैट्स इन अ सिटीज, यानी शहरों के अंदर लोग किसमें रहते हैं, बंगलोज में या फिर फ्लैट्स में. बंगलोज का मतलब होता है बंगला, ठीक है, यानी बड़ा घर, या फिर किसमें रहते हैं, फ्लैट्स में. अब फ्लैट्स कैसे होते हैं, जैसे देखो ये इतनी बड़ी सारी बिल्डिंग है इसके अंदर ये छोटे छोटे से जो है ना घर, ये क्या है, फ्लैट्स, ठीक है. तो फ्लैट में रहते हैं या फिर बंगलोज में रहते हैं. मोस्ट मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग्स हैव मैनी फ्लैट ऑफिस ऑफिसेज एंड शॉप्स. तो ये कह रहे हैं कि ज्यादातर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग यानी बहुमंजिला, बहुमंजिला यानी जैसे एक मंजिल, दो मंजिल, तीन, चार, पाँच, छः, यानी एक से ज्यादा मंजिल होती है, दो से ज्यादा, तो हम क्या बोलते हैं, बहुमंजिला, यानी बहुत सारी मंजिलें. तो मल्टी स्टोरी को हिंदी में बोलते हैं बहुमंजिला इमारत, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. उसके अंदर खूब सारे फ्लैट्स होते हैं, ऑफिस होते हैं, और यहाँ तक कि दुकानें भी खूब सारी होती है. सम सच बिल्डिंग्स आर सो हाई दैट दे आर कॉल्ड स्काई स्क्रैपर्स, थ्रू दे डू नॉट एक्चुअली स्क्रैप द स्काई. तो कुछ ऐसी बिल्डिंग्स होती है जो इतनी ऊंची होती है जिन्हें हम क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रैपर्स यानी गगनचुंबी इमारतें, ठीक है. गगनचुंबी यानी गगन का अर्थ होता है आसमान,
और चुम्मी यानी छूना, तो क्या हो जाएगा, आसमान को छूने वाली इमारतें। तो असल में क्या है, ये ऐसी जरूरी नहीं है कि ये सच में ऐसा नहीं होगा कि ये जो इमारतें हैं, ये जो बिल्डिंग्स हैं, वो सच में आकाश को टच कर रही है, बस हमें ऐसा लगता है कि ये आकाश को छू रही है क्योंकि खूब ऊंचाई पर बनी होती है। इसलिए तो ऐसी इमारतों को हम क्या बोलते हैं, स्काई स्क्रिपर्स यानी बहुमंजिला इमारतें। नाउ लेट अस फाइंड आउट अबाउट सम अदर टाइप्स ऑफ हाउसेस। तो चलो अब हम कुछ अलग तरह के घरों के बारे में भी जानते हैं। माउंटेनियर्स एज वेल एज द ट्रेवलर्स इन अ डेजर्ट यूज टेंट्स। अब माउंटेनियर्स क्या होते हैं, पर्वतारोही यानी जो पर्वत चढ़ने वाले होते हैं, और साथ ही साथ ऐसे ट्रेवलर्स इन डेजर्ट यानी रेगिस्तान में घूमने वाले जो लोग होते हैं वो किसका इस्तेमाल करते हैं, टेंट्स का। मोस्ट टेंट्स आर मेड ऑफ अ कैनवास और अ लाइट नायलॉन मटीरियल। तो ज्यादातर जो टेंट्स होते हैं वो किससे बने होते हैं, या तो कैनवास से बने होते हैं या फिर लाइट यानी हल्का नायलॉन का जो मटीरियल होता है उससे मिलकर टेंट बनाए जाते हैं। टेंट्स आर इजी टू सेटअप, टेंट्स को लगाना काफी ज्यादा आसान होता है। दे कैन बी फोल्डेड एंड कैरिड विदाउट एनी प्रॉब्लम, इन्हें हम फोल्ड भी कर सकते हैं और बिना किसी परेशानी के साथ में कहीं पर भी लेके जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो ये टेंट है, इस तरह से इसे हम लगाते हैं, तो जो टेंट होते हैं उन्हें हम फोल्ड भी कर सकते हैं, अपने बैग में डाल करके कहीं भी लेके जा सकते हैं। नो मेड्स डू नॉट लीव परमानेंटली एट अ प्लेस। तो जो नोमेड्स होते हैं, नोमेड्स को वैसे तो हिंदी में बोला जाता है खाना बदोश, पर इसका सिंपल मीनिंग मैं बताऊंगी, घुमंतु लोग, ऐसे लोग जो सिर्फ हर समय क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो नोमेड्स यानी घुमंतु लोग यानी घूमने वाले लोग, वो हमेशा के लिए एक जगह पर परमानेंटली नहीं रहते, ठीक है, स्थायी रूप से कभी भी नहीं रहते। दे कीप मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड फॉर देयर हट्स। तो वो एक जगह से दूसरी जगह अपने झुंडों के लिए खाने की खोज में घूमते रहते हैं। मैनी नोमेड्स मूव फ्रॉम द हाई माउंटेन्स टू द प्लेन्स इन द विंटर मंथ्स। तो खूब सारे ऐसे लोग होते हैं नोमेड्स यानी खूब सारे ऐसे घुमंतु लोग होते हैं जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से सर्दी के समय में नीचे की तरफ आ जाता है। प्लेन्स यानी एक होता है पहाड़, एक होते हैं मैदान, ठीक है, मैदान यानी ऐसी जगह जो बराबर हो, सपाट हो, समतल हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्लेन्स, ठीक है। तो समतल भूमि जो होती है ना उसे हम क्या बोलते हैं, समतल भूमि को हम प्लेन्स बोलते हैं, समतल भूमि जो सीधी भूमि हो, ठीक है। तो जो नोमेड्स होते हैं वो क्या करते हैं, सर्दी के समय में माउंटेन्स यानी पहाड़ों पर आपको पता है बर्फ गिरती है, तो बर्फ से बचने के लिए वो क्या करते हैं, विंटर के मौसम में प्लेन्स पे आ जाते हैं, ठीक है, यानी समतल भूमि पर रहने के लिए आ जाते हैं। दे लिव इन कारवांस, और वो किस में रहते हैं, कारवांस में, विच आर अ मोबाइल हाउसेस, जिसको हम क्या बोलते हैं, जो क्या आती है, मोबाइल हाउसेस होती है। दे कैन बी टेकन एनी वेयर वैन अटैच टू अ वैन और पुल्ड बाय अ हॉर्स और अ बुल्लॉक। तो ये जो कारवांस होते हैं इन्हें हम कहीं पर भी ले जा सकते हैं, ठीक है, इसे हम किसी वैन से भी जोड़ सकते हैं या फिर इसको किसी घोड़े या फिर बैलगाड़ी की मदद से भी खींच सकते हैं, पुल्ड करना यानी खींचना। तो देखो इस तरह की कारवांस ये होती है, जैसे आपने कभी देखा होगा कहीं पे, जैसे मुंबई के अंदर है ना फिल्मों की शूटिंग होती है या किसी प्रोग्राम की शूटिंग होती है, तो क्या होती है, वैनिटी वैन, ठीक है, तो उसके अंदर सब कुछ होता है, किचन होता है, बेडरूम हो जाता है, सब वॉशरूम वगैरह सब मिलता है उसमें, तो वो क्या होता है, वो वैनिटी वैन ही क्या होती है, कारवांस। तो आपको पिक्चर में दिख ही रहा है इस तरह का क्या होता है, कारवान। तो जो नोमेड्स होते हैं वो इसके अंदर रहते हैं। नोमेड्स कौन होते हैं, जो हमेशा एक जगह पर हमेशा के लिए नहीं रहते, घूमते रहते हैं। अब है सर्वे शीट, ट्राई टू फाइंड आउट सर्टन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ अ नोमेडिक लाइफ, ठीक है। नोमेडिक लाइफ यानी ऐसी लाइफ जिसमें आप कहीं पर भी एक जगह पर नहीं रह रहे हो, कभी किसी दूसरी जगह जा रहे हो, कभी दूसरी जगह, तो घूमने वाली जो जिंदगी है उसे बोलते हैं नोमेडिक लाइफ। तो उसके आपको कुछ फायदे बताने हैं और कुछ नुकसान बताने हैं कि नोमेडिक लाइफ के क्या फायदे हैं और नोमेडिक लाइफ के क्या क्या नुकसान है। तो एडवांटेज क्या हो सकती है इसकी, जैसे कि इसमें हमें, अगर हम नोमेडिक लाइफ जी रहे हैं यानी हम कहीं भी परमानेंट नहीं रह रहे, घूमते ही रह रहे, तो इसमें हमें जरूरतें हमारी कम होती है, तो हम लिख सकते हैं मिनिमल नीड्स, ठीक है, यानी हमारी जरूरतें जो होती है वो कम हो सकती है।
मिनिमल नीड्स, नीड्स मैंने जरूरत और मिनिमल यानी कम, ठीक है। और साथ ही साथ अगर हम घूम रहे हैं बहुत जगहों पर तो हमें अलग अलग कल्चर जो है उसको देखने का भी मौका मिलता है, तो हम लिख सकते हैं डिस्कवर न्यू कल्चर, डिस्कवर न्यू कल्चर। अलग अलग संस्कृति देखने का भी मौका हमें मिलता है। फिर थर्ड हम लिख सकते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस, यानी पूरी तरह से हम स्वतंत्र होते हैं, कहीं पर भी जा सकते हैं, ठीक है, हमारे ऊपर कोई भी रोक टोक नहीं होती, या जो भी नोमैडिक लाइफ जीता है उसके ऊपर कोई भी क्या नहीं होती, किसी भी तरह की बंदिश नहीं होती, तो पूरी तरह से वो स्वतंत्र होता है, तो हम लिख सकते हैं कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और फोर्थ नंबर पर हम लिख सकते हैं ट्रैवल अपॉर्चुनिटी, यानी हमें घूमने का भी खूब क्या मिलता है, फायदा मिलता है, घूमने की भी अपॉर्चुनिटी मिलती है, घूमने का अवसर भी मिलता है, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर। अब है डिसएडवांटेज, यानी जो नॉमेडिक लाइफ अगर कोई जी रहा है तो उसके क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, तो एक तो हमें अकेला रहना पड़ता है, ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बीइंग अलोन, यानी अकेला रहना पड़ता है अगर कोई भी नॉमेडिक लाइफ जी रहा है तो। एक हो सकता है लेक ऑफ अ प्राइवेट स्पेस, हमारी जीवन में जो प्राइवेट स्पेस होता है वो नहीं बचता, प्राइवेट स्पेस यानी जैसे हम अपने घर में अपने रूम में रहते हैं तो वो हमारा एक प्राइवेट स्पेस होता है, बट कोई नॉमेडिक लाइफ जी रहा है तो उसके लिए प्राइवेट स्पेस फिर नहीं बचता, उसकी कमी होती है, तो हम लिख सकते हैं लेक ऑफ अ प्राइवेट स्पेस, लेक का मतलब होता है कमी, लेक ऑफ प्राइवेट स्पेस। थर्ड हम लिख सकते हैं लेक ऑफ मनी, यानी पैसे की भी कमी होती है, अब कोई घूम रहा है नॉमेडिक लाइफ जी रहा है तो उसको पैसे की कमी तो होनी ही है, ठीक है, क्योंकि वो पैसे कमाने के लिए जा भी नहीं रहा है, और जाएगा तो थोड़े दिन में कुछ काम करके थोड़े बहुत पैसे उसको मिलेंगे, तो लेक ऑफ मनी पैसे की भी कमी होती है। और एक हम लिख सकते हैं लेक ऑफ क्वालिटी फूड, और जो क्वालिटी फूड होता है ढंग का खाना की, ढंग का जो खाना था उसकी भी कमी हो सकती है, लेक ऑफ क्वालिटी फूड, ठीक है। तो ये हो गई एडवांटेज और डिसएडवांटेज, यानी अगर कोई नॉमेडिक लाइफ जीता है यानी इधर उधर से घूमता ही रहता है, एक जगह पर नहीं रहता, तो उसको बोलते हैं नॉमेडिक लाइफ जीना, तो इसके फायदे क्या क्या है, हमारी जरूरतें कम होती है, हमें नए नए संस्कृति को देखने का मौका मिलता है, पूरी तरह से हम आजाद होते हैं, और हमें ट्रैवल करने का अवसर भी मिलता है, यात्रा करने का अवसर भी मिलता है। और इसके डिसएडवांटेज यानी इसके नुकसान क्या क्या है, बीइंग अलोन हमें क्या रहना पड़ता है, अकेले रहना पड़ता है, लेक ऑफ प्राइवेट स्पेस, हमारे जो प्राइवेट स्पेस होता है उसकी भी कमी रहती है, पैसे की कमी रहती है, लेक ऑफ मनी एंड लेक ऑफ क्वालिटी फूड, अच्छे खाने की भी कमी होती है। अब नेक्स्ट है व्हाट एवर टाइप ऑफ हाउस वी लिव इन इट इज इम्पॉर्टेंट टू कीप इट क्लीन, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर नेबरहुड क्लीन। तो ये कह रहा है कि हम किसी भी तरह के घर में रहें बट ये जरूरी होता है कि वो साफ होना चाहिए, इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट टू कीप अवर नेबरहुड क्लीन, और साथ ही साथ हमें अपने पड़ोस को भी साफ रखना जरूरी होता है, ठीक है, आप जहां पर भी रहो चाहे आपका घर कैसा भी हो ये जरूरी होना चाहिए कि आपका घर साफ हो, और साथ ही साथ हमें अपने पड़ोस को यानी हमारे घर के आसपास की जो जगह होती है उसे भी साफ रखना चाहिए। रिमूविंग गार्बेज फ्रॉम अ हाउसेस, यानी घरों से कचरे को हटाना। सम पीपल आर केयरलेस अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स अदर्स, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरे के प्रति जो जिम्मेदारियां होती है उनके प्रति वो लापरवाह होते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है, जिम्मेदारी, और केयरलेस, केयरलेस का मतलब होता है लापरवाह, जो अपनी जिम्मेदारी के प्रति क्या नहीं है, सचेत नहीं है, तो उसको बोलते हैं लापरवाह, केयरलेस। सम पीपल आर केयरलेस अबाउट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स अदर, यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों के प्रति जिम्मेदारी के लिए क्या होते हैं, लापरवाह होते हैं। द क्लीन दे क्लीन देयर होम्स एंड एम्प्टी देयर डस्टबिन्स आउटसाइड देयर होम्स ऑन द स्ट्रीट, तो वो क्या करते हैं, अपने घर को साफ कर देते हैं, अपने डस्टबिन को, अपने कचरा पात्र को तो खाली कर देते हैं, कहाँ पर, घरों के बाहर गली में,
The garbage heaps become a breeding ground of germs, flies and mosquitoes. तो जो कचरे का ढेर होता है, garbage heap यानी कचरे का ढेर, वो क्या होता है? Flies, mosquito के लिए breeding ground बन जाता है, यानी यहाँ पर जो मक्खियां और जो मच्छर होते हैं वो ज्यादा से ज्यादा अंडे देते हैं कचरे के ढेर में, तो वो ग्राउंड क्या बन जाएगा? ग्राउंड ऑफ जर्म्स, यानी कचरे का मैदान बन जाएगा. इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमूव द गार्बेज फ्रॉम अवर होम एवरी डे. तो ये जरूरी है कि हम अपने घरों से रोज कचरे को हटाएं. बट वी मस्ट थ्रो इट अप एट अ प्रॉपर प्लेस. और साथ ही साथ हमें इस कचरे को प्रॉपर प्लेस पर, यानी उचित जगह पर फेंकना चाहिए. अ सेफ डिस्पोजल क्रिएट्स अ क्लीन इन्वायरमेंट, यानी जो एक सुरक्षित डिस्पोजल होता है. अब सेफ डिस्पोजल यानी डिस्पोजल का मतलब होता है कचरे को निपटाना, कचरे को पूरी तरह से खत्म कर देना. तो अगर हम एक सेफ डिस्पोजल जो करेंगे तो वो एक हमारे इन्वायरमेंट को यानी हमारे वातावरण को क्या बना देगा? साफ बना देगा. ठीक है, तो सेफ डिस्पोजल यानी सुरक्षित निपटारा, या किसी कचरे का सेफ डिस्पोजल करना, उसे ठीक तरह से उसका निपटारा करना, उसको खत्म कर देना, तो इसे इन्वायरमेंट क्या होगा? क्लीन होगा. ठीक है, अब है सर्वे शीट. सर्वे शीट क्या है? द म्युनिसिपैलिटीज इन सिटीज एंड पंचायत इन विलेजेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लीनिंग ऑफ स्ट्रीट, पब्लिक बिल्डिंग्स एंड द रिमूवल ऑफ द गार्बेज. तो जो म्युनिसिपैलिटीज होती है, जैसे हमारे नगर निगम होती है शहरों के अंदर और गांवों के अंदर होती है पंचायत, वो जो है गलियों को साफ कराना, जो पब्लिक बिल्डिंग्स है, ठीक है, जो सार्वजनिक इमारतें हैं वहां से कचरे को हटाना उनकी जिम्मेदारी होती है. ठीक है, फाइंड आउट, पता लगाओ मेथड्स ऑफ गार्बेज कलेक्शन इन सिटीज, यानी शहरों के अंदर गार्बेज इकट्ठा करने के कौन कौन से तरीके होते हैं. मेथड्स ऑफ गार्बेज डिस्पोजल, कचरे को निपटाने के क्या क्या, यानी कचरे को खत्म करना है पूरी तरीके से तो उसके लिए क्या क्या तरीके होते हैं. एंड थर्ड है एडवांटेज ऑफ 4 आवर्स, यानी 4 आवर्स के क्या क्या फायदे हैं. 4 आर यानी रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल एंड रीथिंग. तो रिड्यूस का मतलब होता है कम करना, रीयूज यानी फिर से इस्तेमाल करना, रिसाइकल यानी ऐसी कोई चीज उसको दूसरे फॉर्म में, दूसरे रूप में बदल देना और उसका फिर से इस्तेमाल करना, और रीथिंक यानी फिर से सोचना. तो 4 आर का मतलब ये हो गया. तो इस तरह से आज की क्लास में हमने इस चैप्टर की रीडिंग पूरी कर ली है. चैप्टर का नेम था अवर हाउसेस. अब हम साथ ही साथ इस चैप्टर के जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उन डिफिकल्ट वर्ड्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. तो पिछली क्लास में हमने चैप्टर नंबर 14 फूड फॉर एनिमल्स, इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर किए थे. आशा करूंगी कि आपने वो वर्क अपनी ईवीएस की नोटबुक में समय पर कर लिया होगा. अब आज की क्लास में आपको क्या करना है, चैप्टर नंबर 14 के क्वेश्चन आंसर होने के बाद न्यू पेज से क्लास वर्क लिखना है, डेट लगानी है आज की, और फिर लिखना है चैप्टर नंबर 15 आवर हाउसेस. डिफिकल्ट वर्ड्स, पहला वर्ड है शिकारा. शिकारा यानी एक तरह की बोट होती है जिसके अंदर क्या किया जाता है, लोग मार्केट लगाकर सामान बेचते हैं, और जैसे हम कहीं जाने के लिए गाड़ी का यूज करते हैं वैसे ही शिकारा का यूज भी पानी में कहीं जाने के लिए किया जाता है. जैसे घर के बाहर अगर आपको, मान लो आप किसी झील में रहते हो, ठीक है, हाउस बोट में, तो आप सब दिन तो हाउस बोट में रह नहीं सकते, आपको कहीं जाने की अगर जरूरत पड़ेगी तो आप शिकारा में बैठ करके जाओगे. फिर है बैम्बू. बैम्बू का मतलब होता है बांस. उसके बाद नेक्स्ट है बंगलोज. तो बंगलोज का अर्थ होता है बंगला, ठीक है, बंगलोज यानी बंगला. इंग्लिश में बंगलोज कह देंगे, हिंदी में बंगला, थोड़ा बहुत सेम सा साउंड आ जाता है. मल्टी स्टोरी, मल्टी स्टोरी यानी बहुमंजिला, यानी ऐसी इमारतें जिनमें जो मंजिल होती है वो ज्यादा होती है, ठीक है, जैसे हम बोलते हैं 1 मंजिल, 2 मंजिल, 3 मंजिल, तो मल्टी स्टोरी यानी बहुमंजिल या बहुमंजिला इमारत. स्काईस्क्रीपर्स, स्काईस्क्रीपर्स यानी ऐसी इमारतें जो ऐसी लगती है जैसे कि वो आकाश को यानी स्काई को छू रही है, तो हम इसको बोलेंगे हिंदी में गगनचुंबी, गगनचुंबी इमारत. उसके बाद टेंट, तो टेंट को हम टेंट ही बोलते हैं. फिर 7th नंबर पर है परमानेंटली. परमानेंटली का मतलब होता है स्थाई. परमानेंटली का मतलब क्या हो जाएगा? स्थाई. उसके बाद नेक्स्ट है नोमेड्स. नोमेड्स यानी खानाबदोश या फिर घुमंतू लोग, ठीक है, मैं घुमंतू यानी सब दिन घूमते रहते, एक जगह पर
स्थायी नहीं रहते, परमानेंट नहीं रहते। फिर है रिस्पॉन्सिबिलिटीज। रिस्पॉन्सिबिलिटीज का मतलब होता है जिम्मेदारी, ठीक है। जैसे आपकी जिम्मेदारी क्या है, पढ़ाई करना और टाइम टू टाइम वर्क करना, रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी। और 10th नंबर पर है गार्बेज। गार्बेज का मतलब होता है कचरा। तो इस तरह से आज की क्लास में 10 डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको करने के लिए दिए हैं, ठीक है। अब ये आपको पहले करने हैं कॉपी में, फिर HW में वापस से लिखने हैं इन वर्ड्स को, और साथ ही साथ इन वर्ड्स को आपको याद भी करना है। तो आशा करूंगी कि आज की क्लास में मैंने आपको चैप्टर नंबर 15 आवर हाउसेस पढ़ाया है, वो आपको अच्छे से समझ आया है, और साथ ही साथ डिफिकल्ट वर्ड्स जो बताए वो भी अच्छे से समझ आए होंगे। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।